नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे मधुकामनी का प्लांट, जो कि मालती के नाम से नहीं जाना जाता। मधुकामनी जो कि आप किसी भी नर्सरी में इसका ड्वार्फ वैरायटी भी बहुत सारा आता है, जो कि आपको गमला में लगाने वाला आता है। एक मिनिएचर भी आता है जो हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला आता है। इसमें तीन चार वैरायटी, लेकिन कलर एक ही। इसका गंध आपको सुगंधित फ्लावर रात में खिलेंगे, दिन में तो ऐसे इसका फ्लावर नहीं खिलते हैं। रात में आपको बहुत सारा फ्लावर इसमें खिलता है। अगर आपके गार्डन में एक प्लांट रहे तो पूरा गार्डन महक उठेगा। ये भी सुगंधित प्लांट में आता है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसमें आप इसका ये देसी वाला वेराइटी आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या कटिंग से, आपको जो चीज़ से मन है ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका जहाँ प्लांट देखे उसके नीचे बहुत सारा प्लांट जन्मा हुआ रहता है ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारा सीड देता है। इसलिए देखिए कितना अच्छा उजला उजला फ्लावर है। एक प्लांट में आपको एक बार में बंच में फ्लावर आने लगता है। बहुत सारा फ्लावर जब आने लगता है तो इसका प्लांट हरा भरा होने लगता है। आप इसके प्लांट को जरूर लगाएं। इसका मधुकामनी नाम है। इसमें आपको 12 इंच वाला गमला ले, अगर ड्वार्फ वैरायटी लगा रहे हैं तो छोटा भी ले सकते हैं। एक मिनिएचर वाला आता है छोटा छोटा, उसमें तो और छोटा पॉट ले सकते हैं। उसमें 5-7 इंच वाला गमला ले सकते हैं। देसी वाला में 12 से 15 इंच वाला ले, और इसका छटाई आप बराबर करते रहेंगे। अगर नीचे है तो मतलब गार्डन में, तो आपको इसका कटिंग करवाते रहना होगा, नहीं तो कटिंग बिना ये प्लांट बहुत बड़ा बन जाएगा, प्लांट की तरह हो जाता है और उसमें बहुत सारा फ्लावर देने लगता है। इस पे एक वीडियो, एक दो वीडियो और भी होगा। ये हमारा मतलब 3-4 साल का प्लांट है, जो कि अभी ये ऐसे ही लगा हुआ है। अगर यही बाहर में मतलब अलग लगाया रहता बिना कटिंग किया हुआ तो गाछ का रूप ले लेता, मतलब वृक्ष का, एक छोटा सा वृक्ष का। लेकिन बहुत सारा फ्लावर एक बार इसमें आता है तो बहुत सारा महक, रात रानी की तरह इसमें सुगंधित सेंटेड फ्लावर मतलब सेंट निकलने लगता है रात रानी से के इतना। अगर एक दो फ्लावर है तो आपका भी गार्डन महक उठेगा। इसका प्लांट जरूर लगाएं। इसमें आपको साल में, अगर गार्डन में लगा रहे हैं तो साल में 2 बार वर्मिंग कंपोस्ट, 6-6 महीना पे वर्मिंग कंपोस्ट देते रहें। महीना में अगर गार्डन में है तो 1 महीना पे पानी देते रहें, अगर सॉइल के हिसाब से। अगर सॉइल अच्छा है मतलब बलुई है तो आपको 10 ही दिन पे देना होगा। अगर आप गार्डन में लगाए हुए हैं तो रोजाना पानी दें। गर्मी के दिनों में 2 बार दें। जब फ्लावर देने लगे तो भी 2 बार दें, क्योंकि फ्लावर देने में ज़्यादा पानी लगता है। इसका प्लांट जरूर आप अपने गार्डन में लगाएं। अगर आपको गमला में लगा रहे हैं तो उसमें तो आपको खाद भी देना, वर्मी कंपोस्ट देना होगा, नहीं तो आप 15 दिन पे वर्मी कंपोस्ट का पानी फुला के वर्मी कंपोस्ट और उसका पानी जो होता है वो दे रोजाना, अगर देना चाह रहे हैं तो। इसमें आपको एक बार प्लांट लगाइएगा तो बार बार चलेगा। अगर एक प्लांट के नीचे बहुत सारा प्लांट बन जाता है इसलिए और भी ज़्यादा चलेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसका कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का बहुत सा आसान विधि है, जैसे सब कटिंग लगता है और इजी टू ग्रो कटिंग है इसका। आप इसका कटिंग जरूर लगाएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।